गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव लेंस और उसके साथ साथ बेटा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में बात की थी हमने बच्चों और जहां से रिजल्ट मिला था हमें वन बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू यदि हमें उस ग्लास लेंस की फोकल लेंथ को एयर में कैलकुलेट करना है सो वी कैन राइट वन बाय एफ एंड दिस इज ए म्यू जी माइनस वन इन साइड वन बाई आर वन माइनस वन बाय आर टू यदि उसी लेंस को मे भी कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है उसको बेटा किसी लिक्विड के अंदर हम इमर्ज कर दें तो उस केस में हम लिखेंगे वन बाई एफ एल दैट इज एल म्यू जी क्योंकि लिक्विड में जाने के बाद जब लाइट एंटर होगी तो लाइट एंटर होगी लिक्विड से ग्लास लेंस के अंदर तो एल म्यू जी माइनस वन इन साइड वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू इस तरह से हम लिख सकते हैं और अब इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं दैट इज म्यूजियप ऑन म्यू ए और इसका मीनिंग म्यूजियप ऑन म्यू एल तो सपोज हमें फोकल लेंथ एयर में गिवन है और हमें लिक्विड में फोकल लेंथ निकालनी है हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से बेटा ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और ए म्यू जी दैट इज म्यू जी अपॉन म्यू ए एंड एल म्यू जी म्यू जी अपॉन म्यू एल और इसको सोल्व करके हम उस लिक्विड में फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपसे कहा जाए एक कन्वर्जिंग लेंस हैविंग फोकल लेंथ ट्वेंटी सेंटीमीटर इन एयर एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव इफ इट इज इमर्ज इन वाटर हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट थ्री थ्री देन वट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दैट ऑफ दैट लेंथ इन वाटर तो अब हमें बेटा वाटर में उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लिखेंगे इसको सपोज मैं नाम देता हूं इक्वेशन वन का तो वाटर के लिए आ जाएगा बच्चों वन बाई एफ डब्ल्यू इक्वल टू W म्यू जी माइनस वन इन साइड वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू और बेटा अब यदि हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट को और सेकंड को तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड तो लेफ्ट में मिलता है बेटा वन बाई एफ एवर वन बाई एफ डब्ल्यू राइट right साइड में हमें मिलेगा क्या ए म्यू जी माइनस वन ओवर डब्ल्यू म्यू जी माइनस वन और ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे नाउ अब अब यहां से इसको हम सोल्व करें तो बेटा ये आ जाएगा एफ डब्ल्यू अपोन एफ ए इक्वल टू ए म्यू जी दिस इज म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस वन ओवर म्यू जी अपन म्यू डब्ल्यू माइनस वन अब इसको आप सोल्व कर लेंगे म्यू जी वन पॉइंट फाइव म्यू ए वन म्यू जी वन पॉइंट फाइव म्यू डब्ल्यू वन पॉइंट थ्री थ्री इसको आप सोल्व कर लेंगे तो यहां से एफ upon अपोन Fa एफ ए जो भी आएगा सपोज एक्स आ गया तो बेटा इसको इधर ले आएंगे आप तो यहां से एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों एक्स टाइम्स दी एफ ए इसको हम सोल्व कर लेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स जो भी आएगा सोल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेट सेवेंटी एट्टी के आसपास फोकल लेंथ आएगी इसकी मीन्स फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी ये इस बात का मीनिंग होगा बच्चों फर्स्ट सेकेंड आपसे कहा जाए कि हमारे पास जो लेंस है सपोज ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है और इसकी फोकल लेंथ जो है वो आपके पास कैपिटल एफ गिवन है बेटा अब जो विशेष बात आपको याद रखनी है बच्चों क्या याद रखनी है ये जो फर्स्ट सरफेस है बेटा क्योंकि हमने पढ़ा था मिरर के अंदर क्या कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसी को हमने आर का नाम दिया था अब यहां पर जो फर्स्ट सरफेस है डिस्टन इसके लिए नॉर्मल जो राइट साइड right में आता है और नॉर्मल जहां कट करता है उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दिया था और वो इसके पोल से बोल सकते हैं हम यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा आर होगा तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो नॉर्मल राइट साइड में आएगा तो जिसकी वजह से आर वन जो है, बेटा हम क्या लेते है? और जो फेस है दिस वन, इसके लिए नॉर्मल लेफ्ट में आता है जहां कट करेगा वो सी टू होगा और इस पॉइंट से लेकर उस सी टू का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या हो जाएगा दैट इज आर टू जो कि तो किस तरफ है लेफ्ट में है इसीलिए हम R2 क्या लेते हैं बच्चों नेगेटिव लेते हैं फिर से ध्यान से डायग्राम बना देता हूं मैं सपोज ये हमारा लेंस है और इस पॉइंट के लिए या इस सरफेस के लिए हम कह सकते हैं क्या ये नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा इसको C1 का नाम दूं और इस C1 का डिस्टेंस जो होगा यहाँ से वो R1 आएगा और जो सेकेंड फेस है दिस वन इसके लिए नॉर्मल यहां कट करेगा सी होगा और ये जो डिस्टेंस होगा बेटा दिस इज़ आर टू तो ये बात आपको याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए आर वन हम पॉजिटिव लेते हैं क्यों क्योंकि राइट right साइड में है आर टू नेगेटिव लेते हैं क्यों क्योंकि लेफ्ट में है और यदि दोनों के लिए आर सेम है मतलब आर वन जो है भी आर है आर टू R आर है सो वी विल टेक आर वन इज प्लस आर एंड आर टू इज माइनस आर ये आपको याद रखना है आर वन को प्लस आर लेते हैं हम और आर टू को माइनस आर लेते हैं जबकि कोनकेव के लिए क्या होता है बेटा कोनकेव ये कोनकेव हो गया इसमें ये फर्स्ट फेस है इसका नॉर्मल लेफ्ट में आएगा इस तरफ C1 और ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों R1 R1 क्या होगा नेगेटिव होगा सेकंड जो बेटा इसके लिए नॉर्मल राइट साइड में आएगा C2 ये जो डिस्टेंस होगा R2 होगा जो कि पॉजिटिव होगा तो कॉनकेव के लिए आपको याद रखना है आर वन को हम माइनस आर लेते हैं और आर टू को प्लस आर लेते हैं ये मैं नूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करूंगा ये आपको ध्यान रखना है जब भी कॉनवैक्स की बात आएगी तो आर वन प्लस आर आर टू माइनस आर कौनकेव के लिए R1 आर वन माइनस आर एंड आर टू प्लस आर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फिलहाल इसके तो ये हमने स्टडी कर लिया था लेंस मेकर फॉर्मूला और अब हमारे पास बच्चों हैं स फॉर्मूला वो लेंस मेकर था एंड नाउ लेंस फॉर्मूला एंड दिस लेंस फार्मूला गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बच्चों जैसे हमने मिरर फॉर्मूला ड्रॉ किया था बेटा वन बाय वी प्लस वन बाय इक्वल टू वन बाई एफ सेम उसी तरह से हम लेंस फार्मूला ड्रॉ करेंगे और ये हमें उस लेंस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एज वेल एज इमेज का जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक रिलेशनशिप देगा मिरर के केस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज आती है तो वो रियल थी और जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट इमेज आती है तो वो वर्चुअल थी यहां पर केस उल्टा है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी तरफ यदि इमेज आती है बेटा तो वो रियल होगी और यदि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज आए तो वो वर्चुअल होगी तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वहां पर जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज वो रियल थी मिरर में लेकिन लेंस के अंदर बच्चों जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी तरफ यदि इमेज आती है तो वो रियल होगी मतलब ये कि वहां पर यू तो नेगेटिव था ही था वी यदि नेगेटिव आता है तो वो रियल इमेज है जबकि यहां पर वी पॉजिटिव आता है तो वो रियल इमेज कहलाएगी तो नुमेरिकल में आपको ध्यान रखना है क्या कि यू तो हमें नेगेटिव लेना ही लेना है बेटा कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेके और सोल्व करेंगे वी के लिए यदि वी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है इसका मतलब इमेज रियल है और यदि v की वैल्यू सोल्व करने के बाद नेगेटिव आती है बेटा लेफ्ट में आ रही है इसका मतलब इमेज वर्चुअल है तो ये बात भी आपको न्यूमेरिकल्स में विशेष याद रखनी है सो लेट अस स्टार्ट द लेंस फार्मूला एंड द फर्स्ट केस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फार्मूला इज रियल तो बेटा यहां पर इमेज रियल जो है हमारी वो कब बनती है तो आंसर है कि हमारे पास एक कॉन्वर्जिंग लेंस है जिसमें सी इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ए बी जो है दिस इज द एक्स टैंडेड ऑब्जेक्ट विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस यू फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर सो ए बी इज एन ऑब्जेक्ट हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस यू फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर तो बेटा अब यहां से लाइट चली फर्स्ट लाइट चली ऐसे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और बच्चों हमने पढ़ा था कि जो लाइट पैरल टू तो प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी तो ये फोकस से गुजर गई सेकेंड लाइट हमने मानी जो चली कहां से बेटा ऑप्टिकल सेंटर से और ये बताया था आपको कि जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो सीधी निकल जाएगी क्योंकि वो नॉर्मली आ रही है सीधी निकल गई और इस और इस दोनों लाइटों ने इस पॉइंट पे एक दूसरे को एक्चुअल में क्रॉस किया और जब एक्चुअल में क्रॉस करते हैं बेटा तो उस केस में इमेज कैसे मिलती है रियल एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों मैंने पहले ही बताया था आपको बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जो है वो इमिट हो रही है लेकिन उसकी इमेज को फोर्म करने के लिए कम से कम दो लाइटें होनी चाहिए ज्यादा सो so मैनी हो सकती हैं जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारे पास लेंस है और अभी अभी जो हमने इसका डायग्राम लिया जिसमें बेटा हमने ये ऑब्जेक्ट लिया था ए बी और इस स्लाइड चली कुछ एक ऐसे चली और एक हमने ऐसे मानी और दोनों दोनों ने क्या किया इस पॉइंट पे एक दूसरे को एक्चुअल में क्रॉस किया है जिसकी वजह से बेटा इसको हमने ए डैश बी डैश रियल और इनवर्टेड इमेज का नाम दिया लेकिन खाली ये लाइट ही नहीं जितनी भी लाइटें चलेंगी कहाँ से ए से वो सारी लाइटें ए डैश पे आके मिलेंगी तो आप इस तरह से और भी लाइटों को शो कर सकते हो इस तरह से। ये इसका मतलब है तो जो भी रेज ए से इमिट हो रही है वो ए डैश मिलेंगी सिमिलरली से चलेंगे बच्चों वो सारी बी डैश पे आके मिलेंगी इस तरह से इन दिस वे तो ये हमारा एक्चुअल डायग्राम होता है लेकिन एक खिचड़ी सी बन जाती है जिसके लिए हम बहुत सारी रेज ना दिखा के मिनिमम दो दिखा देते हैं तो इसका मतलब यदि मैं आपसे यह कहूं बेटा कि ए बी ऑब्जेक्ट है तो आप बोलेंगे ए-डेश बी-डेश उसकी इमेज होगी रियल और इनवर्टेड यदि मैं यह कहता हूं बच्चों इमेज तो होगी मतलब यदि यह ऑब्जेक्ट ये इमेज ये ऑब्जेक्ट ये इमेज इसको बोलते हैं कंजुगेट कंजुगेट कंडीशन या कंजुगेट पॉइंट्स ये ऑब्जेक्ट ये इमेज ये ऑब्जेक्ट ये इमेज <coughs> तो बेटा अब उसी तरह से डायग्राम बन गया हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है बेटा वो फॉर्मड हो चुकी है अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या ए बी सी एंड ए डैस बी डैस सी आर सिमिलर ट्राइंगल अब ये दोनों सिमिलर क्यों है ध्यान से देखें ए बी सी एंड ए डैस बी डे सी बेटा दोनों में ये जो एंगल हमारा ये सेम बन रहा है तो, तो दोनों सिमिलर हैं तो अब यदि ट्राइंगल सिमिलर है तो बताया था हमने डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि एक का परपेंडिकुलर अपोन में दूसरे का परपेंडिकुलर क्यों लिखेंगे ये हम बात कर चुके हैं मिरर के अंदर बच्चों कि हम यहां से tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें और यहां से tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें और दोनों कंपेयर कर लें और कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक के परपेंडिकुलर के नीचे दूसरे के परपेंडिकुलर को ले आए इक्वल टू पहली के बेस के नीचे दूसरे का बेस आ जाएगा सो so, जब भी कभी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इस तरह से उनको लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी इक्वेशन फर्स्ट इसी तरह से हमने सेकेंड पेयर लिया और उसके लिए हमने एक पॉइंट कंसिडर किया यहां जिसको हमने डी का नाम दिया सी डी एंड दिस सी डी इज पैरल टू ए बी इसके एग्जैक्ट पैरल तो बच्चों सेकेंड जो पेयर लिया हमने वो लिया क्या ट्राइंगल सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर सी डी एफ ए डैस बी डैस एफ सिमिलर क्यों है बेटा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों में सेम है तो यदि सेम है सिमिलर है दोनों तो यहां से सी डी मीन्स एक का परपेंडिकुलर अपॉन दूसरे का परपेंडिकुलर इक्वल टू पहली वाली का बेस अपॉन दूसरे का बेस ये आ जाएगा और बच्चों अब हम सी डी को ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों पैरल हैं और रिप्लेस करते ही ए बी अपॉन ए डैस बी डैस में दो इक्वेशन आ जाएंगी

सी एफ क्या है एफ स्मॉल है फोकल लें जो कि पॉजिटिव होगी अपॉन बी डी एफ अब बच्चों बी डी एफ ये डिस्टेंस है ये पूरा है वी ये एफ ये आएगा वी माइनस एफ और अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों इक्वेशन आ जाएगी और अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे यू वी एफ से डिवाइड भी कर देंगे बेटा और जैसे डिवाइड करते हैं बच्चों तो हमें मिलता है क्या वन बाय वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ तो यहां पर वन बाई वी माइनस वन बाई यू आया जबकि मिरर में वन बाई वी प्लस वन बाई यू आता था और साथ साथ इसकी मैग्निफिकेशन और फाइंड आउट कर लें हम जो होती है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज के साइज को हम एच टू बोलते हैं और ऑब्जेक्ट के साइज को हम बेटा एच वन बोलते हैं और यहां एच टू नेगेटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है माइनस एच टू अपॉन प्लस एच वन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि वी है ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि यू है लेकिन वी पॉजिटिव यू नेगेटिव तो ये आ जाएगी हमारे पास क्या मैग्निफिकेशन तो कॉन्वैक्स लेंस में हमें इमेज मिली रियल अब कॉन्वैक्स लेंस हमें वर्चुअल इमेज भी देता है ये बेटा केस आपको याद रखना है क्योंकि इस केस को आगे हम यूज करेंगे किसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे हैं लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज वर्चुअल इमेज बोर्ड एग्जाम में आपके आई थिंक ये नहीं आते के अंदर डेरिवेशन वगैरह जो है हाँ इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपके मे बी और ट्वेल्थ में तो कोई लेना देना है ही नहीं इसका डेरिवेशन का क्वेश्चन आते हैं इस पर तो अब कॉन्वेक्स लेंस हमें वर्चुअल इमेज जो है वो कब देगा तो ये कंडीशन है कि जब भी कभी हम ऑब्जेक्ट को विद इन फोकस लेते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेते हैं तो उस केस में बेटा जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ ही हमें उसकी एक वर्चुअल और एनलार्ज इमेज मिलती है इरेक्ट भी है सीधी भी है सो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ इन बिटवीन सी एंड एफ का मतलब विद इन द फोकस र्चुअल एंड एन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट जिस तरफ ऑब्जेक्ट है बचो उसी तरफ बेटा उसके वर्चुअल और एन लार्ज इमेज बनेगी अब आगे काम सेम उसी तरह से है ए बी सी एंड एडेस बी डे सी आर सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एड एस बीडे सी सिमिलर क्यों बीटर क्योंकि ये जो एंगल बेटा दोनों में कॉमन है अब एक का परपेंडिकुलर अपॉन एक का परपेंडिकुलर अपॉन दूसरे का परपेंडिकुलर इक्वल टू का बेस अपॉन दूसरे का बेस सेकंड पेयर लिया हमने CDF, में ये एंगल है, तो यहां से सी डी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन बी एफ और अब क्या कर सकते हैं तो आंसर है सी डी जो है वो ए बी के पैरल है तो हम इस सी डी को बच्चों ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं बोलो सो ए बी अपॉन ए डैस बी डैस इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैस एफ सेकेंड इक्वेशन एंड नाउ वी कैन कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड जैसे कंपेयर करेंगे बच्चों सिंपल है आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यूज पुट कर देंगे इन सभी की बी सी जो कि माइनस यू है बी डैस सी जो कि माइनस वी है सी एफ जो कि फोकल लेंथ है एंड बी डैस एफ बी डैश एफ ये V ये F टोटल V प्लस एफ लेकिन केवल V नेगेटिव आएगा लेफ्ट में होने की वजह से और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ बच्चों तो फिर से आंसर मिलेगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ तो यहां से भी हमें आंसर सेम मिलता है बट वट अबाउट मैग्निफिकेशन एच टू बाई एच वन इस बार हाइट इमेज की जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस से अबाउ है और ऑब्जेक्ट की हाइट तो अबाव है ही है दोनों पॉजिटिव v बाई यू वी लेफ्ट में है u भी लेफ्ट में है नेगेटिव तो इसका मतलब क्या आया m की वैल्यू पॉजिटिव है और यदि m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज m की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इमेज एंड थर्ड वन इज कॉन्क्स कॉन्स अगेन वी कंसिडर ऑब्जेक्ट ए बी लाइट चले बेटा इस तरह से ये क्या कर देगा उसको डाइवर्स कर देगा और ये मिलेगी that is the F focus. हमने जो चली ऑप्टिकल अब बेटा दोनों के आगे मिलने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों को क्या करेंगे बच्चों पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों दोनों इस पॉइंट पे आके अपियर टू मीट होगी वर्चुअल भी है और डिमिनेज इमेज भी है वेरी स्मॉल इमेज भी है तो यहां से लिख सकते हैं उसी तरह से हम ए बी सी ए एडस बी डे सी वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करके देखें मैं तो ये बोलूंगा आपको डेरिवेशन के लिए तो ए बी सी एंड ए डैस बी डे सी आर सिमिलर ट्राइंगल्स सो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी डे सी सेकेंड फेयर इज सी डी एफ एंड ए डैस बी डे एफ ये भी सेम होंगी बच्चों क्योंकि एफ की कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो दोनों में कॉमन है तो यहां से सी डी अपॉन ए डैस बी डैस इक्वल टू सी एफ अपोन बी एफ और अब सी डी को ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि सी डी और ए बी पैरल हैं सो ए बी अपॉन ए डैस बी डैस इक्वल टू सी एफ अपॉन बी एफ एंड नाउ वी कैन कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करें बच्चों ये जा हम ये वैल्यूज आ जाएंगी यहां से इनकी वैल्यू रखेंगे हम बी सी बी सी सी का डिस्टेंस यू लेफ्ट में है माइनस यू बी सी इमेज का डिस्टेंस है जो कि लेफ्ट में है माइनस वी माइनस माइनस कैंसिल आउट सी एफ फोकल लेंथ अब बच्चों कोनके की फोकल लेंथ नेगेटिव ध्यान रखना आपको नोमेरिकल्स में आप नेगेटिव लेंगे और कोनवैक्स के लिए पॉजिटिव लेंगे और नीचे बी डेस एफ बी डेस एफ ये डिस्टेंस है ये एफ ये वी ये बचेगा एफ माइनस वी लेकिन दोनों ही लेफ्ट में है माइनस एफ माइनस माइनस प्लस वी और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे बेटा सो अगेन आंसर विल बी सेम वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ वैल्यू ऑफ एम इज एच टू बाई एच वन दोनों हाइट पॉजिटिव है इक्वल टू वी बाई यू वी नेगेटिव यू नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको याद जो रखना है वो क्या है बेटा कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज मिलती है तो वो वर्चुअल इमेज कल आएगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी तरफ इमेज मिलती है तो वो रियल कलाएगी मिरर के अंदर वी नेगेटिव को रियल बोला था हमने लेंस के अंदर वी पॉजिटिव जब आएगा तो उसको रियल बोलेंगे तो यह बात भी आपको इसमें याद रखनी है यहां से अब बच्चों इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यह भी हमारा इंपॉर्टेंट है एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको हमने नाम दिया बेटा किसका पावर ऑफ ए लेंस तो बच्चों पावर ऑफ ए लेंस हमारा जो कॉन्सेप्ट है यह हमसे क्या कहता है जब भी हम साइट चेक करवाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं आई थिंक डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट हम किसी शॉप पे जाते हैं तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें अक्सर हम डायरेक्ट चेकअप के लिए जो भी हमारा स्पेक्स वाला होता है जिससे हम स्पेक्स बनवाते हैं उसके पास पहुँच जाते हैं लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको बेटा कि डॉक्टर के पास जाएँ और उसी के थ्रू चेक कराएँ क्योंकि इसमें अलग अलग सिस्टम होता है स्फेरिकल लेंसेज होते हैं या सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं और दुकान वाला तो अपने हिसाब से बता देगा भाई इतना नंबर है लेकिन डिपेंड करता है वो स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है ये हमारा आगे आएगा ये चीज़ भी मैटर करती है स्फेरिकल ज़्यादा ठीक रहता है सिलेंड्रिकल में थोड़ा सा दिक्कत आती है जहाँ तक मैं समझता हूँ तो पावर ऑफ ए लेंस हमने किस नाम दिया तो आंसर है ये पावर जो बेटा ये किसी भी लेंस की एक, एक एबिलिटी है एक करेक्ट्रिस्टिक्स है एक गुण है जो करता क्या है जो या तो एक बीम ऑफ लाइट जो उससे पास हो रही है उसको कन्वर्स कर देगा या वो उस बीम ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देगा तो किसी भी लेंस की वो एबिलिटी वो करेक्टरिस्टिक्स या ये कहें वो वो गुण जिससे उस बीम ऑफ लाइट को या तो कन्वर्स कर दे या डाइवर्स कर दे जो उस पर गिर रही है उसी को ही बच्चों ने पावर ऑफ ए लेंस का नाम दिया सो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस उस लेंस पे जो लाइट फॉल हो रही है उसको कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना उसको हमने नाम दिया किसका दैट इज पावर ऑफ ए लेंस लेंस का नाम दिया